मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण समाप्त कराने को लेकर प्रदेश भर में जगह जगह घमासान मचा हुआ है। ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर और जिलाध्यक्ष के मार्गदर्शन पर ओबीसी महासभा ब्लॉक इकाई और संयुक्त मोर्चा रामपुर बघेलान के नेतृत्व में राष्ट्रपति महोदय के नाम तहसीलदार रामपुर बघेलान सविता यादव के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा विधानसभा चुनावों और प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लागू हो 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया गया जो प्रदेश में निवासरत ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ अन्याय है। ओबीसी महासभा और संयुक्त मोर्चा रामपुर बघेलान के पदाधिकारियों ने वर्तमान समय में हो रहे पंचायती राज्य के चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को यथावत रखते हुए एक साथ चुनाव कराए जाएं और इस मांग पर प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा कार्यवाही की जाए, आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाए जिससे आने वाले समय में ओबीसी वर्ग को आंदोलन से बचाया जा सके। आपको बता दें कि इस दौरान विधानसभा प्रभारी ओबीसी महासभा रामपुर बघेलान ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है, इससे ओबीसी वर्ग के लोगों में आक्रोश है। यदि सरकार ओबीसी वर्ग को लेकर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लागू नहीं करती तो स्थितियां बेकाबू हो जाएंगी। वहीं सतना भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री पुष्पराज कुशवाहा ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी समाज के लोगों में नाराजगी है, हम उसका समर्थन करते हैं लेकिन भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर संवेदनशील है। सीएम शिवराज ने विधानसभा में सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है कि हम किसी भी कीमत पर ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे और किसी एक वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा निर्देशित किया गया था कि अपने अपने तहसील स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी को ओबीसी आरक्षण जो 17 दिसंबर को माननीय राष्ट्रपति हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निरस्त किया गया था, इसकी मांग को लेकर हमने आज पूरे ओबीसी के लोगों द्वारा तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा। यह बहुत ही निंदनीय घटना हुई जो ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। ना तो कोई व्यक्ति राजनीतिक में अपना हक अदा कर पाएगा, ना शिक्षा में, ना कोई नौकरी में। ये पूरा समाज एक होकर आज ज्ञापन सौंपा है और कल हम लोग पूरे इकट्ठा होकर जिला में जाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, जो ओबीसी आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायतों में जहां चुनाव होने हैं वहां ओबीसी आरक्षण को अभी समाप्त किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय आया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र एवं प्रदेश सरकार ओबीसी हित के लिए संवेदनशील है और पूर्ण आशा ही नहीं पूरा विश्वास है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के हित में निर्णय लेंगे एवं किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अभी पंचायत चुनाव ओबीसी को रोका गया है, उस पर क्या विचार रहेगा आपका? देखिए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विधि विशेषज्ञों से इस विषय पर बातचीत कर मंथन कर रहे हैं और आगे जो निर्णय आएगा ओबीसी हित में आएगा।